joint. Achha, to mazrat, sorry, wadar se baat. Aaj aapke saath बैठने का मौका मिला है हाथी के वसीम भाई मोटे हो गए वसीम भाई फूल गए वसीम भाई इतने टाइम से कहाँ गए थे वसीम भाई ये वसीम भाई वो वसीम भाई सब्सक्राइबर नहीं हुए तो क्या वसीम भाई वीडियो बनाना छोड़ दिए वसीम भाई थोड़े से ऑक्यूपाइड थे ठीक है सब्सक्राइबर वाली बात पे मैंने क्या बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर इतने होंगे तो मैं काम की बात बताऊंगा प्रेफर्ड फ्रीलांसर का बताऊंगा ये एंड वो तो चलो सॉरी बोलने का अपोलोजाइज करने का तरीका है आज की वीडियो How to become a preferred freelancer. See, preferred freelancer के बहुत सारे फायदे हैं. See, directly मैं jump in कर रहा हूँ काम की बातों पे जैसे हमेशा करता हूँ मैं तब इधर उधर नहीं घूमा रहा ठीक है preferred freelancer बनने के फायदे ये हैं. देखो नुकसान ये है कि भाई फीस आपकी 15% डिडक्ट होती है freelancer पे. See, as usual 10% जो कटती थी 15% कटती है 5% recruiters का होता है उसका फायदा ये है कि recruiter direct आपको message करते हैं कि भाई ये project है आपकी skills के हिसाब से ये ले लो चलो नहीं भी है एक बार आप प्रेफर्ड फ्रीलांसर बन गए उसके बाद आप दूसरी स्किल सेट से दूसरे प्रोजेक्ट से भी बिट कर सकते हो आपका बैच आता है फिर आपके सैंपल और वो सब रेकमेंडेशन देख के आपको एम्प्लॉयर हायर करता है मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा एक दो जैसे अभी आएंगे यहाँ पे तो इसमें देख सकते हो कि रिक्रूटर आपको एक प्रोजेक्ट देखता है और फिर आप बोलते हो कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ मैंने बिट प्लेस कर दिए प्लीज डू रेकमेंड मतलब मुझे भी आप रेकमेंड कर दो तो रिक्रूटर क्या करता है कि एम्प्लॉयर को 5-6 फ्रीलांसर्स के नाम फॉरवर्ड कर देता है उसके लिए आप अपने सैंपल्स दिखाते हो इसको रिक्रूटर को कि भाई डायरेक्ट मैसेज कर दो रिक्रूटर को ये लो भाई मेरे सैंपल इस काम के हिसाब से जैसे पावर पॉइंट है फाइनेंशियल या एसेट मैनेजमेंट पे आपने काम किया हुआ है आपने डायरेक्ट उसको फेंक दी वही प्रेजेंटेशंस कभी कभी सामने से खुद बोलेगा सैंपल दिखाओ भाई क्योंकि बीच में एक प्रोजेक्ट आया था काफी बड़ा था ब्रोशर का था अब वो रिक्रूटर बहुत अच्छी थी टर्म्स में मेरे साथ क्योंकि मैं पावर पॉइंट बहुत सारे उसके लिए कर चुका हूँ मार्केट रिसर्च कर चुका हूँ रिक्रूटर के प्रोजेक्ट्स के लिए तो उसने भी मुझे बोली कि वसीम दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट डू यू हैव एनी सैंपल वर्क तो तुम लोगों को बताने के लिए जो मैं सैंपल्स बनाता था ना मैंने तो इतना काम नहीं किया था उस प्रोजेक्ट पे क्योंकि ब्रोशर था मैं पिच डेक्स वगैरह पावर पॉइंट वगैरह पे और कॉन्टेंट राइटिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ उसका जो प्रोजेक्ट था उसके लिए ब्रोशर जो थे वो तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने बनाए थे वो मैंने उसको दिखा दिए एम्प्लॉयर को पसंद आ गया एक हफ्ते में वो प्रोजेक्ट भी डन हो गया ठीक है तो इस तरह से रिक्रूटर प्रोजेक्ट्स में बहुत फायदा है समझ रहे हो आप कभी कभार ऐसा होता है आप बिट मार के छोड़ देते हो सही नॉर्मल प्रोजेक्ट्स पे बाद में उस पे अगर एम्प्लॉयर को समझ नहीं आता तो वो क्या करता है रिक्रूटर हायर कर लेता है ऊपर एक फीस दे के फिर इस तरह से देखो ये आएगा तो इस तरह से फिर रिक्रूटर आपको मैसेज करता है कि वसीम ये वाला प्रोजेक्ट याद है क्या सीन है इसका समझ रहे हो फिर इस तरह से कुछ अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स भी होते हैं वो इस तरह के मैसेज भी करते हैं कि चैंपियन क्या सीन है भाई ब्रो क्या सीन है तो आपकी मतलब जितना अच्छा आप काम करते हो जितना अच्छा आपकी रेपुटेशन होती है उस हिसाब से आपको रिक्रूटर्स भी प्रोजेक्ट रेकमेंड करते हैं और आपको आगे एम्प्लॉयर के साथ प्रमोट भी करते हैं कि हाँ भाई ये वाला बंदा हमारा जानने वाला है और ओके की रिपोर्ट इस तरह ठीक है तो शुरू करते हैं कि भाई कैसे बन सकते हैं प्रेफर्ड फ्रीलांसर सबसे पहले तो रजिस्टर करो भाई फ्रीलांसर की वेबसाइट पर आ जाओ अपना अकाउंट बनाओ ठीक है जब अकाउंट बना रहे हो ना तो उसी वक्त सबसे पहला स्टेप क्या हो गया रजिस्टर योरसेल्फ ठीक है ऑलरेडी अगर प्रोफाइल है जैसे फर्स्ट करो ग्राफिक डिजाइनिंग की तुमने प्रोफाइल बना के अपलोड कर दिए और तुमने अपनी स्किल सेट ग्राफिक डिजाइन पावर पॉइंट देखा देखी में मतलब देखा देखी वाले जो लोग है ना ये लोग भाई थोड़ा सा खुदा को मानो देखा देखी के चक्कर में लसन तो सबसे पहले आप क्या करो रजिस्टर कर लो फ्रीलांसर पे उसका स्किल सेट सेलेक्ट करने से पहले याद है मैंने एक लिस्ट दी थी तुम लोगों को शुरू में वो फ्रीलांसर से ही निकाली थी अब फ्रीलांसर पे जाके सारी स्किल्स की वो लिस्ट जो मैंने लिस्ट दिया हूं तुम्हारे को एक्सेल की एक फाइल थी वो लिस्ट एक तरफ खोल के रखो सही है फ्रीलांसर पे जाके सर्च करो फॉर फ्रीलांसर्स क्या करो सर्च फॉर फ्रीलांसर्स और एक एक करके वो स्किल्स उठा उठा के कॉपी करो वहां पे जिस स्किल्स पे सबसे कम फ्रीलांसर मिल रहा है ना तुम्हारे को जैसे फर्ज करो कि टॉप पे जो फ्रीलांसर आ रहा है उसकी रेटिंग मतलब 5 स्टार का मसला नहीं है आगे के जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना वो कम आ रहा है वो 4.5 के अंदर जो भी अमाउंट आ रही है ना तो वो $5,000-6,000 का काम किया हुआ जो कि तुम लोग भी 6 महीने के अंदर मतलब शुरू में जीरो की प्रोफाइल पे भी 3-4-6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लोगे अगर टाइम सही से दोगे तो वो काम कर लो सही है वहां से स्किल्स निकाली जिसपे कोई फ्रीलांसर काम ही नहीं कर रहा जैसे फर्ज करो एक्सेल के अंदर कोई एक स्किल है कि भाई एक्सेल के अंदर मुझे ये चाहिए रेज्यूमे की एक स्किल है तेरे आपका कवर लेटर हो गया
आपका हो गया लेटर ऑफ इंटेंट। अब ये अलग अलग नाम से स्किल सेट्स फ्रीलांसर पर बने हुए हैं जो कि एक ही चीज है। पावर पॉइंट हो गया, पिच डेक हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, पावर पॉइंट स्पेस के साथ, स्पेस के बगैर पावर पॉइंट डिजाइन, इन्फोग्राफिक एंड पावर पॉइंट डिजाइन, तो एक ही स्किल्स के बहुत सारे अलग अलग नाम है। तो हर नाम की स्किल्स लोगों ने ऐड नहीं की हुई। तुम क्या करो, जिस पे लोग कम है, जिस पे रेटिंग कम है, वो वाली स्किल्स सर्च करके निकालो, सही, और वो अपनी प्रोफाइल में ऐड करो। अगर तुम्हारी प्रोफाइल में ऑलरेडी लगे हुए हैं स्किल्स और तुम्हारी प्रोफाइल मतलब 5 तक नहीं पहुंची है, नई प्रोफाइल बनाओ भाई, नई प्रोफाइल बनाओ, नई स्किल्स लगाओ, वही वाले जो मैं बोल रहा हूँ जिसपे फ्रीलांसर्स नहीं है। फिर क्या करो, सैंपल वर्क बनाओ अपनी अपनी स्किल सेट के और उस टाइप के स्किल सेट के। फर्ज करो अगर तुमने रेज्यूमे का बनाया, ठीक है, तो तुम्हारे पास काम रेज्यूमे का होना चाहिए। फिर तुम लोग क्या करो, दूसरे प्रोजेक्ट पे जाके बिड करो। तुम्हारी स्किल्स पावर पॉइंट, तुमने प्रोफाइल बनाई एक्सेल की कि भाई मैं एक्सेल का वो हूँ एक्सपर्ट, अभी तक प्रीफर्ड फ्रीलांसर नहीं बने हो, मैं स्टेजेस बता रहा हूँ किस तरह से बनना है। तुमने क्या किया, पावर पॉइंट के प्रोजेक्ट पे जाके बिट प्लेस की, उसको बोला कि भाईजान आप मुझे डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल से हायर करो। जब वो तुम्हारे को डायरेक्ट हायर करेगा ना, उससे ये होगा कि फीस कम कटेगी स्टार्टिंग में, जब तक पैसे रिलीज नहीं होंगे ना पूरे पैसे नहीं कटेंगे। जैसा फर्ज करो तुमने बिट मारी 30 से 250 के प्रोजेक्ट पे 240 की, तो तुम्हारी फीस कटेगी $24 स्टार्टिंग में ही जब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे। अगर वो तुम्हारे को प्रोफाइल से हायर करेगा तो या तो वो आवरली बेसिस पे हायर करेगा जिसमें कोई पैसा नहीं कटेगा शुरू में, या फिर $100, $10 करके हायर करेगा जिसपे $5 से $10 कटेगा, तो फीस कम कटेगी, सही है। और मेन बात ये है कि तुम्हारी जो रेटिंग आएगी ना, जो तुमने स्किल सेलेक्ट की थी जिसपे कोई फ्रीलांसर नहीं है, वो वाली स्किल्स की रेटिंग आएगी, ठीक है। तो तुमने सबसे पहले रजिस्टर करना है नया आईडी, कोई मसला नहीं है। फिर तुम स्किल सर्च करके वो वाली स्किल्स ऐड करोगे इस प्रोफाइल में कि जब बंदा तुम्हारे को डायरेक्टली हायर करेगा तो तुम्हारी जो स्किल्स है ना, जो किसी और फ्रीलांसर का रजिस्टर्ड नहीं है, वो बढ़ती जाएंगी, उसकी रेटिंग बढ़ेगी। जब ये हो गया तो अब देखो, फ्रीलांसर का, प्रीफर्ड फ्रीलांसर का मेन मुद्दा ये है या मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप टॉप 3-5% में आते हो उस स्किल सेट में जिसमें तुम प्रीफर्ड फ्रीलांसर बनना चाहते हो। उनको कक नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे पास वो स्किल है कि नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी स्किल का टेस्ट नहीं होता, वो तुम्हारी फ्रीलांसर की पॉलिसीज का टेस्ट होता है कि तुम्हारे को पॉलिसीज वगैरह सब पता है या नहीं। जब ये हो गया, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स सैंपल वर्क भी आ गया, अब तुमने जो प्रोजेक्ट पकड़ के डायरेक्ट हायर करवाया, हमेशा रिव्यू लेना, सही है। रिव्यू ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता 5 स्टार मिला नहीं मिला यार, स्टार्ट में कम से कम तुम्हारी वो रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये हो गया, फिर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो। टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी, यूट्यूब पे जाओ, सारे टेस्ट होते हैं, सब टेस्ट पढ़े हुए, प्रीफर्ड फ्रीलांसर का टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, सारे सवाल जवाब पढ़े हुए वहां पे, वो देखो, स्टडी करो, ठीक है। बोलना नहीं प्रीफर्ड फ्रीलांसर वालों को मैंने यूट्यूब से देखा हूं, खुद ही स्टडी करो और वो आंसर लिखो। जैसे ही तुम्हारा टेस्ट क्लियर होता है, तुम्हारी रेटिंग सही हो जाती है, तुम्हारे को प्रोफाइल में, अच्छा तुम्हारे को ये होगा कि प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्रीफर्ड फ्रीलांसर के लिए बनना है अगर, तो तुमने 6 महीना जब तक 5.0 या फिर वो नहीं हो गया ना, तब तक प्रीफर्ड फ्रीलांसर के लिए प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेना। जैसे ही तुम्हारा वो हो गया कि भाई हाँ मेरा 5.0 हो गया अमाउंट ऑफ मनी अर्न, मैंने 3.0 पे भी लोग देखे जो प्रीफर्ड फ्रीलांसर बने इसी तरह से, समझ रहे हो बात को, ये किसी को ज्यादा लोगों को नहीं पता, मतलब गिनती के 5-6 लोगों को पता होगा जो मतलब मंजे हुए घुसे अंदर फ्रीलांसर के, ठीक है, क्योंकि कंपनियां चल रही ना, मैं इंडिविजुअल हूँ, कंपनियां क्या करती है भाई, उनको समझ में आ गया किस तरह से हो रहा है, वो बोलेंगे भाई तू भी एक प्रोफाइल बना, तू भी एक प्रोफाइल बना, ठीक है। अच्छा चलो ये हो गया, तुम्हारे पास रिव्यूज आ गए, तुम्हारे पास वो स्किल्स के रिव्यूज आ गए जिसके किसी और फ्रीलांसर के पास नहीं है, ठीक है, तुमको समझ में आ गया कि 5.0 की रेटिंग हो गई है। तुम प्रीफर्ड फ्रीलांसर पे जाके चेक कर सकते हो कि तुम एलिजिबल हुए या नहीं हुए, वहीं पे तुमको बता देगा, अक्सर 2.5 पे भी एलिजिबल हो जाते हो कि 2.5 का अमाउंट ऑफ वर्क अर्न, क्योंकि कोई और फ्रीलांसर है ही नहीं जो उस स्किल सेट में काम कर रहा है, तुम हो, तो फिर प्रीफर्ड फ्रीलांसर तो बनोगे। टेस्ट दो, टेस्ट क्लियर हो गया, अप्लाई कर दो भाई। अप्लाई करने से पहले प्रीमियम मेंबरशिप ले लेना, ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट है वो देख लेना जरूर। मेरी वही $60 वाली, £60 वाली है मेरी ख्याल से, वही कट रही है, मेरा तो भाई 2% VAT कटता है, तो खैर वो अलग ही हिसाब किताब है। और अप्लाई कर दो, प्रीफर्ड फ्रीलांसर बन जाओगे। प्रीफर्ड फ्रीलांसर बन गए तो फायदे बहुत सारे, तो सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है, सर्च करो स्किल सेट, सैंपल वर्क तैयार करो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स करो, रिव्यूज लो डायरेक्ट हायर करा के, ताकि तुम्हारे पर रिव्यू हुआ है। टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन मतलब रट्टाफिकेशन नहीं, सही है,
सिंपल सिंपल वेबसाइट पे मतलब यूट्यूब खोलो, वहां पे सवाल जवाब सब लिखे हुए, कौन से सवाल का क्या जवाब है सब बताया हुआ है, वहां से ही देख लो और फिर अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे सेलेक्ट हो जाओगे। देखो अब ये नहीं बोलना कि वसीम भाई हम वापसी शुरू करें स्क्रैच से प्रीफर्ड फ्रीलांसर के लिए, आप पहले बता देते तो भाई सॉरी माजर, मुझे था कि थोड़ा तुम लोग सीख लो फिर बताऊंगा। मगर खैर मेरा कुछ और ही था कि मतलब मेरे एक फ्लो में चलना था, बीच में डिस्क्रिप्शन आ गए थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेके, फिर थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह को लेके। तो एक बात आखिर में बोलूंगा, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर अगेन बिकॉज दिस टाइम यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच रादर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो चलता हूँ इसी साथ वीडियो का इख्तिताम, अगली वीडियो में एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके यूके में बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है उसमें बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग जो प्रीफर्ड फ्रीलांसर या फिर फ्रीलांसर के ऊपर अपना कंपनी प्रोफाइल रजिस्टर करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब 10-12 पाउंड की कहानी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।